नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका मेरे YouTube चैनल होम फॉर यू इंडिया में। आज हम आए हैं फिर से रोहिणी सेक्टर 24 में और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा एक 60 मीटर के जोड़े का फ्लोर जो कि 120 स्क्वायर मीटर बनता है। अगर इसको मैं गज में कन्वर्ट करूँ तो ये बनता है 150 गज का, और अगर इसको मैं स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करूँ तो ये बनता है 1300 स्क्वायर फीट का फ्लोर। और ये फ्लोर इसमें निकलता है 4 BHK, मतलब हमारे पास 4 बेडरूम 3 बाथरूम 1 किचन 1 लॉबी प्लस ड्राइंग रूम का सेट है। तो ये मैं आपको फ्लोर दिखाऊंगा और इस फ्लोर की पूरी जानकारी दूंगा। आइए चलिए मेरे साथ। दोस्तों ये हमारा बिल्डिंग का फ्रंट एलिवेशन और इसके सामने है ये कॉमन पार्किंग, बहुत स्पेशियस पार्किंग है। इस बिल्डिंग में हमारे पास 3 फ्लोर की यूनिट अवेलेबल है। अब चलते हैं अपनी बिल्डिंग के अंदर। ये नीचे हमारी कॉमन पार्किंग जिसमें आपको 2 गाड़ियों की पार्किंग ऑन पेपर रिटर्न में मिलेगी। ये हमारा अपर ग्राउंड फ्लोर का लिफ्ट एरिया। अब चलते हैं अपने फ्लोर की तरफ। दिस इज द फर्स्ट लुक ऑफ आवर फ्लोर। ये हमारी लॉबी प्लस ड्राइंग रूम। इसका साइज है 12.5x21 फीट। ऊपर डाउन सीलिंग करी हुई है, बीच में यहाँ पे इटालियन मार्बल है, सामने बहुत अच्छा वॉल पे डिजाइन करा हुआ है। इसका मैं आपको लेआउट दिखा देता हूँ। 2 रूम्स इस साइड हैं, बीच में कॉमन वॉशरूम है, और 2 रूम्स इस साइड हैं और बीच में इसमें किचन है। इसका LCD पैनल है जिसमें आप मैसिव TV इंस्टॉल कर सकते हैं बहुत इजीली। ये वॉल पे डिजाइन करा हुआ है। अब चलते हैं हम अपने फर्स्ट बेडरूम की तरफ। इस बेडरूम का साइज है 13.5x14 फीट। स्लाइडिंग अलमीरा है, वेंटिलेशन के लिए विंडो है, साथ में ड्रेसिंग टेबल भी बनाया हुआ है। सामने बालकनी अटैच है और साथ में ये LCD पैनल है। बहुत अच्छा ग्रे और ब्राउन का बहुत अच्छा टोन दिया हुआ है पूरे घर। ये इसका डाउन सीलिंग विद LED लाइट। स्लाइडिंग अलमीरा फ्लोर टू रूफ की पूरी अलमीरा है, बहुत स्पेशियस अलमीरा है ये। साथ में अटैच वॉशरूम। इस वॉशरूम का साइज है 7.5x4 फीट। पूरे फ्लोर टू सीलिंग की टाइल्स लगी हुई है और अभी थोड़ा सा काम कराना बाकी है क्योंकि न्यू फ्लोर है बिल्कुल। यहां से बाहर आएंगे, इस रूम के साथ में है किचन। इस किचन का साइज है 12.5x7.5 फीट। यहाँ पे फ्रिज रखने के लिए स्पेस है। ब्राउन और वाइट का बहुत अच्छा टोन दिया हुआ है। किचन के टॉप पे मार्बल लगाया हुआ है। यहाँ पे ये सिंक एरिया है। ऊपर कैबिनेट्स है सामान रखने के लिए विद पार्टीशंस। सॉफ्ट क्लोज डोर्स हैं सारे इसमें। सामने वेंटिलेशन के लिए विंडो है, सामान रखने के लिए ड्रॉर्स है, और ये मॉड्यूलर किचन की बास्केट है। और दूसरी साइड है टॉल यूनिट, हमारा और सामान रखने के लिए स्पेस। के साथ चलते हैं अपने सेकेंड बेडरूम में। इस बेडरूम में वुडन टाइल्स लगी हुई हैं। इस बेडरूम का साइज है 10x12 फीट। ऊपर डाउन सीलिंग है, बहुत सुंदर डिजाइन बनाया हुआ है। ये अलमीरा है साइड में, बेड के साइड में, और इसमें भी LCD पैनल अलग से बनाया हुआ है। साथ में है अटैच बालकनी। इस बालकनी का साइज है 18x4 फीट।
ये दूसरे रूम से अटैच है और यहाँ का ये व्यू है सामने का। अब चलते हैं अपने थर्ड बेडरूम। इस बेडरूम का साइज है 12x11 फीट। पूरे घर में प्रीमियम पेंट हुआ है, स्लाइडिंग अलमीरा बनाई हुई है फ्लोर टू रूफ की। साथ में ड्रेसिंग टेबल है और ड्रॉर है सामान रखने के लिए। साथ में शाफ्ट बनाई हुई है वेंटिलेशन के लिए और साथ में अटैच वॉशरूम और LCD पैनल है। इस वॉशरूम का साइज है 6x6 फीट। व्हाइट और ग्रे का बहुत अच्छा टोन दिया हुआ है। यहां से बाहर चलेंगे तो हमारा आ जाएगा कॉमन वॉशरूम। इस वॉशरूम का साइज है 6.5x6 फीट। ग्रे का पूरे में बहुत अच्छा टोन दिया हुआ, ऊपर फॉल सीलिंग करी हुई है। यहाँ पे वॉश बेसिन लगने के लिए स्पेस है। यहाँ से बाहर निकलेंगे तो अब चलेंगे अपने फोर्थ बेडरूम में। इस बेडरूम का साइज है 13x11 फीट। सामने शॉप बनी हुई है वेंटिलेशन के लिए। ये ड्रेसिंग टेबल है जिसके अंदर दो ड्रॉर्स हैं सामान रखने के लिए। स्लाइडिंग अलमीरा है, फ्लोर टू रूफ की पूरी अलमीरा बनी हुई है। इस रूम के साथ में है ये अटैच वॉशरूम जो कि एक कॉमन वॉशरूम भी था। ये टू वे वॉशरूम है। ये तो ये था हमारा 4BHK बिल्डर फ्लोर का ऑनलाइन टूर। तो दोस्तों ये था हमारा 4BHK बिल्डर फ्लोर। अब मैं आपको इसकी कुछ और डिटेल्स के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके प्राइस के बारे में। डीलर का जो इसका आस्किंग प्राइस है वो है 1,70,00,000 रुपये। और इस बिल्डिंग में हमारे पास 3 फ्लोर की यूनिट अवेलेबल है, मतलब अपर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर। और ये DDA के फ्री होल्ड प्लॉट के ऊपर बना हुआ है, तो आपको यहाँ पे इसकी रजिस्ट्री भी मिलेगी, प्लस आप इसके ऊपर बैंक लोन भी अवेल करा सकते हैं। और यहाँ पर है टाटा पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड का बिजली का कनेक्शन जो कि 24 आवर है, IGL का गैस पाइपलाइन का कनेक्शन और दिल्ली जल बोर्ड का वाटर पाइपलाइन का कनेक्शन। और अगर आपको इस एरिया के बारे में या इस फ्लोर के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर मुझे फ़ोन करके मेरे से बात कर सकते हैं और यहाँ पे आके मेरे साथ विजिट भी कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को